अज्ञात मोबाइल लुटेरों को पकड़ा गया, 29 मोबाइल सहित एक मोटरसाइकिल को किया गया जब्त। पुलिस थाना सेक्टर एक प्रीतमपुर में आरोपी आए दिन रोड पर चलते समय राहगीरों से मोबाइल छुड़ाकर हो जाते थे फरार। 18 जून 2024 को पुलिस थाना सेक्टर एक प्रीतमपुर पर आर्मी के अधिकारी से महिंद्रा कंपनी के सामने से बात करते समय अज्ञात लुटेरे द्वारा मोबाइल को छीनकर फरार हो गए थे, जिसकी पुलिस थाना सेक्टर एक प्रीतमपुर जिलाधार पर भावधी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था, जिस पर से पुलिस अधीक्षक महोदय धार मनोज कुमार सिंह को उक्त घटना को संज्ञान में लेते हुए श्रीमान नगर पुलिस अधीक्षक महोदय प्रीतमपुर अमित कुमार मिश्रा को निर्देश दिए गए थे। थाना प्रभारी सेक्टर एक प्रीतमपुर को दिए गए निर्देश के बाद थाना प्रभारी सेक्टर एक प्रीतमपुर निरीक्षक संतोष दूधी द्वारा थाने से टीम बनाकर कस्बा क्षेत्र के लिए रवाना किया गया। मुखबिर की सूचना पर से दो लोग प्रीतमपुर भोंडिया पर युवराज ढाबा के पास मोटरसाइकिल से कुछ चोरी के मोबाइल बेचने की फिराक पर निकले थे। मुखबिर की सूचना को सत्य मानते हुए टीम को रवाना किया गया, जिस पर से अज्ञात व्यक्तियों की तलाशी लेने पर उनके पास से 29 मोबाइल फोन होना पाया किया गया, जिसके संबंध में पूछताछ करते हुए बिल का होना नहीं पाया गया एवं उक्त सभी मोबाइल चोरी के होने पाए गए, जिसके बाद अज्ञात आरोपी से नाम पता पूछने पर बाबू उर्फ अभिषेक पिता घनश्याम पटेल उम्र 20 साल निवासी माचल थाना बेटमा जिला, काना उर्फ पुष्पेंद्र पिता राधेश्याम मोनिया उम्र 29 साल निवासी माचल थाना बेटमा जिला इंदौर का होना बताया गया। उक्त के प्रकरण का खुलासा करने में निरीक्षक संतोष दूधी, सहायक उप निरीक्षक के परिहार, सहायक उप निरीक्षक अशोक कुमार दुबे, प्रधान आरक्षक मनीष चौहान, प्रधान आरक्षक सूरज, प्रधान आरक्षक महेश यादव, प्रधान आरक्षक पवन अमलियार, आरक्षक शैलेंद्र सिंह भदौरिया, आरक्षक राहुल हिरवे की महत्वपूर्ण भूमिका रही। प्रीतमपुर से प्रफुल्ल तंवर की रिपोर्ट। पिछले कई समय से प्रीतमपुर में मोबाइल स्नेचिंग की 2-3 वारदात हुई थी और उसको टेस्ट करने के लिए हमने करीब 6 लोगों की स्पेशल टीम सारे कपड़ों में लगा के रखी थी, जो काफ़ी समय से निगरानी कर रही थी। और आज मुखबिर से ये सूचना मिली कि युवराज ढाबे के पास कुछ दो लड़के हैं मोटरसाइकिल पर आए हैं और सस्ती कीमत में चोरी के मोबाइल बेच रहे हैं। तो खरीदार ने जब बताया हमें तो हमने खरीदार बनाकर अपनी टीम को भेजा और घेराबंदी करवाई। तो इसमें दोनों को मौके पर पकड़ा गया और इनके कब्जे से करीब 29 मोबाइल जब्त हुए हैं, जो बेचने के लिए लेकर घूम रहे थे। इसमें से दो मोबाइल अभी पिछले एक महीने पहले प्रीतमपुर के महिंद्रा कंपनी के सामने से मिलिट्री के कोई ट्रेनिंग ऑफिसर्स आए थे, उनसे भी इन्होंने छीने थे। इस तरह से इनके द्वारा प्रीतमपुर, बगदून और आसपास के थाना क्षेत्र में भी कई जगहों से मोबाइलों की चोरी भी की है और रहा चलते लोगों से छीना झपटी भी की है। अभी 29 मोबाइल इनसे जब्त हुए हैं और पूछताछ की जा रही है इनसे। सर, मोबाइल पकड़े गए मोबाइलों की कीमत कितनी होगी लगभग? मोबाइल करीब 3 लाख रुपए से ज़्यादा कीमत के हैं अभी। अच्छा, जो आरोपी पकड़ा है सर, ये कहाँ के रहने वाले हैं और क्या आदत है अपराधी? इसमें जो आरोपी एक ग्राम माचल है, बेटमा थाना क्षेत्र का है, वहाँ का है अभिषेक, और दूसरा काना है, वो भी माचल के पास के रहने वाला है। इसमें से इसके 4 अपराध पूर्ण हुए। ठीक, थैंक यू। खबरें तो देश से बहुत आती हैं, लेकिन कुछ खबरें दिन भर की सुर्खियां बन जाती हैं। दिन की हर सुर्खी का निकलेगा निचोड़, हर खबर को पेश करेंगे बिना तोड़ मरोड़। एनटीवी टाइम, जनता की बात जनता के साथ।